Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी अपने दो गुर्गों का नाम बताया है। दोनों पूर्वांचल के अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं और उनका मुख्तार से काफी पुराना संबंध है। अब उन्हें भी समन भेज कर जो है ईडी बयान दर्ज करने के लिए बुलाएगी। रविवार को भी मुख्तार अंसारी से विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ रही, जिसके बाद प्रमाणिक साक्ष्य भी जुटा जाए जा रहे हैं। मुख्तार के गुर्गों से पुराना रिश्ता। सूत्रों का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने माफिया से जब पूछताछ की, ठेका लेने के दौरान डील कौन करता था, तो वो पहले तो चुप रहे। कुछ देर बाद उसने ड्राइवर व एक शख्स का नाम लिया, लेकिन अब्बास अतीफ के बयान का हवाला दिया गया तो दो गुर्गों का नाम बता दिए। यह भी कहा गया कि महत्वपूर्ण काम दोनों खास गुर्गे करते थे, जो उसे भाई कहते थे। बाहुबली माफिया और पूछताछ और चार्जशीट तैयार करने का एक साथ हो रहा है काम। अब उनसे यह पता लगाया जाएगा कि किस किस सरकारी दफ्तर में कौन कौन अधिकारी बाहुबली माफिया के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर मदद करते थे। सूत्रों का यह भी कहना है कि बाहुबली माफिया से पूछताछ और चार्जशीट तैयार करने का काम एक साथ चल रहा है। मुख्तार के बयानों का मिलान अभिलेखीय साक्ष्य से कराते हुए निष्कर्ष निकाला जा रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाहुबली माफिया 12 दिन से ईडी की कस्टडी में है और उनसे सवाल जवाब भी किया जा रहा है। 4 दशक से जराम की दुनिया में मुख्तार हैं। मुमदाबाद के फाटक निवासी मुख्तार अंसारी 4 दशक से जरायम की दुनिया में हैं। इस दौरान कई चर्चित अपराधी घटनाओं में मुख्तार अंसारी का नाम भी सामने आया है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष व कोयला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा का अपहरण करवाने का आरोप लगा था। इसके पीछे उनकी मंशा चुनाव लड़ने के लिए पैसे का इंतजाम करना था। 3 करोड़ की फिरौती के लिए अपने गुर्गे 5 लाख के इनामी अताउर रहमान बाबू उर्फ सिकंदर को इस वारदात को अंजाम देने के लिए लगाया गया था। अपहरण के बाद सब प्रयागराज में ठिकाने में लगा दिया गया था। इस दौरान मुख्तार अंसारी को जेल में रहना भी पड़ा था। तो अब दो गुर्गे कौन है, ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।